मलाना चौक के एक अभ्राट मलाना है और दर्जनों वहाँ के जवान लोग हैं, वहाँ सतत पानी और बिजली की समस्या चल रही है और ये अभ्राट मलाना जो है उनके भूमि पर कोई भूमाफिया में कब्जा कर लिया था। ये लंबे समय से एमएलए साहब को गुहार लगा रहे थे तो एमएलए साहब जो दानिश अब्रार है सवाई माधोपुर माफ करो तो 25-30 गांव के लोगों ने उसमें सभी जाति वर्ग के थे उनसे बात करना चाहा। बार बार आग्रह किया, उन्होंने विनय किया लेकिन बात की कि गाड़ी से नहीं उतरा और इनको झड़काते हुए आगे चले गए। एक टायर गांव के पैर पर चढ़ गया, नारेबाजी की, जिंदाबाद जैसे होता है और एक लड़के ने अपनी जेब से काला कपड़ा निकाला। बस इतना मात्र इससे पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की जब तक एफ आई आर दर्ज नहीं हुई कि मलाना चौक के दर्जनों घर में निर्दोष लोगों को उठा के ले गए। और ये जो बच्चे 5-6 जयपुर से अपराध से मिलने गए थे जिसमें एसटीएससी के लोग थे, वहाँ की पुलिस ने पीछा किया और एक बार में अटक कर मार के उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लालचौक थाने में ले गए। बेरहमी से मलाना डूंगर की पुलिस और लालसोट की पुलिस ने इनको कमरे में बंद करके पीटा, मट तक लगाई जिसकी से गंभीर चोटें भी आई हैं और एक दो के फ्रैक्चर भी हैं, लहू लुहान हो गए, एक की नाक तोड़ डाली, एक का हाथ टूट गया, एक का पैर टूट गया, पीने को पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, पेशाब करने जाना था तो पेशाब करने नहीं गए। मैं सवाई माधोपुर से चालू हुआ तो ये इनको लेके भाग लेते लालचोट के चार नाता इनको लेके कहीं अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे। मैं आया भागा भागा और मैंने उनकी गाड़ी को रोका, फिर मैं नागला जावतान थाने इन सभी घायलों को ले गया, वहाँ पर एफ आई आर दर्ज कराई पुलिस के खिलाफ, मेडिकल करवाया। अब मैं जो है चुनाव आयोग से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि राज्य भर में जो सीएमओ की डिजायर से या मंत्री की डिजायर से एमएलए के कहने से जो पुलिस के अधिकारी विशेषकर पुलिस के थानेदार एसपी लगे हुए और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए वो संबंधित विधायक के फेद खोले उनके लिए काम करेंगे। ऐसे अधिकारियों को चुनाव आयोग होता है ताकि निष्पक्ष। तो डॉक्टर साहब पूरे राजस्थान में इस तरीके के अधिकारी लगे हुए हैं? पूरे राजस्थान में मेरे को लगता है कम से कम एसएचओ, डीएसपी और एसडीओ जो आरओपी बनेंगे इस स्तर के अधिकारी लगे हुए, सीएमओ से सारी डिजायर मनाई जाए और ऐसे लोगों को दाएं बाएं किया। क्या ये प्रभावी करेंगे चुनाव? अब आपने देख लिया ना, कुछ केवल नारेबाजी की और झंडा दिखाया उसी पे हाथ पैर तोड़ दिए और ये कहा कि बीजेपी को वोट देंगे तो प्राण निकाल देंगे, कांग्रेस के संग रहना वरना आपको जेल में सड़ा देंगे। पत्थर में फेंकता हुआ दिखा नहीं और ऐसा वो अगर वो कहते हैं चुई मुई के पेड़ है गहलोत साहब के सलाहकार, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? दानिश अब्रार अगर चुई मुई का पेड़ है खुद नहीं जाके आगे शीशा फोड़ दिया, वहाँ कोई पत्थर ही नहीं लगा, वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने पुलिस पे इतना दबाव मारा कि मलाना चौक में दर्जनों घरों से बच्चों को उठाने लगे, घर वाले भाग गए और ये बच्चे रूटीन में पढ़ाई करते हैं जो वहाँ से जयपुर आ रहे थे। लालसोट थाने के पास जो डिडवाना गांव पड़ता है वहाँ पर इनकी गाड़ी का टक्कर ठोकी, इनको पता भी नहीं था, इनकी गाड़ी चेक की उसमें कोई हथियार नहीं निकला, फिर थाना लालसोट पे ले गए। थाना लालसोट और मलाना डूंगर की पुलिस ने इंचार्ज सहित इनको कमरे में बंद के बेरहमी से मारा पीटा, लात घूसे डंडे बट, एक की नाक तोड़ दी, एक का हाथ टूट गया, एक का पैर टूट गया, रौंद दिया और पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, पेशाब करना चाहा तो पेशाब ही नहीं किया। ऐसा तो मामला भी दर्ज किया इनके ऊपर तो झूठा है लेकिन हमने जो बात बताई वो सच्ची, वो थाने में ही है, कोई आम सड़क पे नहीं, अंदर बंद कमरे में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या किया? आपने ज्ञापन दिया, सीईओ ने क्या कहा? इसका एक ज्ञापन अब्रार मलाना जी ने दिया है जिसमें सारी अपनी कथा क्या क्या वो दिया और कल रात को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर एफ आई आर दर्ज हुई पुलिस वालों के खिलाफ। हमने यही कहा है कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि निष्पक्ष मतदान शांतिपूर्ण कैसे संभव हो सकता है, केवल सवाई माधोपुर में नहीं पूरे राजस्थान में ऐसे लोग जो अपने चहेतों को ले गए एमएलए
उनको दाएं बाएं किया जाना चाहिए, वरना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव। सर कार्रवाई का कुछ अल्टीमेटम दिया है आपने, कितने दिन? उन्होंने अभी मेरे सामने डीजी से बात की, आईजी से बात की, मेरे को ये भी कहा आप एक बार आईजी से मिलके जाओ, तो मैं आईजी साहब से मिलने जा रहा हूँ, फिर एसपी सवाई माधोपुर से मिलूंगा। और ये क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो कार्रवाई करने का दिया, कब करेंगे, कैसे करेंगे, अब दिन तो मैंने भी नहीं पूछा, पर चुनाव आयोग को मुझे पूरा भरोसा है कि दौसा में चार लोगों ने 1.5 लाख रुपये ले लिए थे, तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी ने चार लोगों को लेट करा दिया। तो मेरे को विश्वास है जो पुलिस ने लालसोट और मौलाना डूंगर ने 6 बच्चों के साथ बर्बरता की है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई।